आगे एक शेर लगाओ, भेड़े शेर हो जाती हैं, और ये शेरों के आगे बब्बर शेर है, और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूं वो बड़ी पते की। और दूर एकता, मैं स्वागत करता कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, साडे माननीय मुख्यमंत्री साहब का, जो साडे दरम्यान पहुंच चुके ने। तो फिर ये कानून बनाने की क्यों जरूरत है? बाहर से ईनाम होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, ये कानून क्यों बनाए गए? ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार, कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाए। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है। ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा, और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे, इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। ये मैंने देशों में सुना था कि एक दो कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं, और वो मोनोपोली बना के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, वो मोनोपोली बना के राज करती हैं। ये वही हो रहा है, ये रिमोट कंट्रोल ये गोरे अंग्रेजों के हाथ में नहीं, ये काले अंग्रेजों के हाथ में दिया जा रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरे का पूरा कंट्रोल हमें कठपुतलियां बनाने के लिए अंबानी और अडानी के हाथ में देने की ये साजिश है। उसका प्रमाण है 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं, बैंकों को लुटा दिया, 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए आपने सारे बैंक लुटा दिए, किसी एक पे कार्रवाई हुई? पिछले से पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा, इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के 5-5 लाख करोड़ रुपए, तो आप कहते हो। मेरे साथी साहबान, बैंस साहब, खैरा साहब, थोड़ा खैर मकदम करना, सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है। मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है, ये धमाका ही है। ये मत समझिएगा कि ये 50 लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पीछे 2-2 लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से, 2-2 लाख पंजाबी, और अगर कोई एमपी बैठा है तो 15 लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं। तो ये हीरे हैं, ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे। मैंने बात नियत की है, नियत की, नियत साहब नीति में दिखती है, और नीति सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार ने। आप अगर ये सोचते हो कि ये कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। और मैं आज डंके की चोट पर यह कहता हूं, छाती ठोक के यह कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे। हम आए हैं यहाँ आपको सबको मकसद का पता है, हमारा मकसद था कि हम गांधी जी के आज सुबह जाकर अपना श्रद्धा के फूल चढ़ाकर फिर वहीं प्रेस को मिले और अपनी जो पंजाब की बात है आपके साथ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहाँ 144 लगा दी और हमें किसी को जाने नहीं दिया, जाने दिया 4 साथियों के साथ, और मेरे मेहमान साथ गए मेरे, बाकी सारे इधर 71 हुए।
हमारा कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जोड़ के बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने, लेकिन बहुत हमारे लोग आज चीन की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं। और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से हमारे 3,40,00,000 की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहाँ बैठे। सियाचिन पे 22,000 फुट, गुरेज, द्रास, कारगिल, ले लद्दाख, चुशूर, दौलत बेग होल्डी, गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे। और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से बात करें। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए, 3 बिल हमने देखा है इनको, कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा, मैं कहना चाहता हूँ आपको